सर पहले सर पीछे हो जाए प्लीज। आप पीछे मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं सरपंच पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ किसी भय या पक्षपात स्नेह या वंश के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगी। मैं राजकुमार सिंह विश्राम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं पंथ के पद के रूप में निष्ठापूर्ण अनुसरण से निर्वाह करूँगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह और उन्हें से के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं पंच पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूँगा तथा सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय तथा पक्षपात के स्नेह तथा वैमनस्य से सिद्धांत तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं मनीष कुमार पुत्र दीपक कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं पंच के पद रूम में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूँगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात सहने या मीमांसा के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। आदरणीय बुजुर्गों माताओं सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। मैं मनोज कुमार सनोप श्रीमान निराम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा और भक्ति ज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं पंच पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात
सने या वेमन से के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। ज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं पंच पद के रूप में अपने कर्तव्य और निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करती हूँ तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी वह और पक्षपात सने या वैमनस्य से संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा के प्रति ज्ञान करता हूँ कि निष्ठा करूँगा कि विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा करूँगा और मैं पंचपद के रूप में अपने कर्तव्य पर निश्चित पूर्वक और अंतकरण से निर्वहन करूँगा। मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय और पक्षपात के स्नेह संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। संविधान के सच्ची श्रद्धा को निष्ठा रखूंगी और मैं पंच पद के रूप में कर्तव्य के शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूँ तथा सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना भय या पक्षपात के समय में संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँ। मेरी तरफ से सभी साथ देते हैं। मैं रवि कुमार पुत्र मूलचंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं पंचपद के रूप में अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान के विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। उनके आदेश के अनुसार आज हमारे हरियाणा में ग्राम पंचायत ब्लॉक समिति जिला परिषद सबका गठन हो गया है और मैं इस नई पंचायत को हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वो इस गांव को चरममुखी विकास पर ले जाए और इसके साथ साथ हमारा जो विद्यालय है आपका उस पर भी सहयोग करें। धन्यवाद। अपनी नई पंचायत का गठन हो गया। सभी ने भगवत गीता को ईश्वर को साक्षी मानकर गांव के विकास के लिए शपथ ली है तो मैं उम्मीद करूंगा और मुझे विश्वास है कि नई पंचायत गांव के विकास में हरदम एक साथ खड़ी रहेगी और मिलकर सभी अपने वार्डों से लेकर गांव के हर समस्या को सुलझाएंगे बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के। इसी के साथ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी खड़े होकर ना जाए, सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है, प्रसाद की व्यवस्था की गई है, आप अपनी सीटों पर बैठे रहें, यहीं पर आपको प्रसाद वितरण हो जाएगा तो कृपा करके सभी प्रसाद लेके जाए। धन्यवाद।